हेलो स्टूडेंट्स, अपन हसीन पैसेज लघु गद्यांश, लघु गद्यांश, लघु छोटे गद्यांश पैसेज, छोटे गद्यांश पर अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट, एकता की आवश्यकता जीवन के क्षण क्षण में सबको अनुभूति होती है। एक एक जो मानव होता है, इकलौता मानव, कोई भी कार्य नहीं कर पाता है अकेले। समाज के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए एकता ही जरूरी है, एकता ही है। तृणों के समूह से ही, जब तृणों को इकट्ठा करके और अहंकार में डूबे हाथी को भी बांध लिया जा सकता है, वैसा एकता का ही प्रतीक है। क्षुद्र में जो झुंड में चींटियां करके और समूह का समूह जो अन्न है वह भी खा जाती हैं, एकता से ही हम सब मिलकर के अपने राष्ट्र को सुरक्षित कर पाते हैं। तस्या भाव, यदि इसका भाव है तो हम सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे भविष्य में। अतः मानव को सदा संघ में रहना चाहिए, ग्रुप में रहना चाहिए एवं यह कार्य करना चाहिए। तथा मानवताया है, यही मानवता है विकास के समाज के लिए। का एक पदेन उत्तरम, कस्या आवश्यकता जीवनी अनुभूति, किसकी आवश्यकता जीवन में अनुभूति कराती है? तो एकता कासाम समूह अन्नस्य राशि, कौन किसका समूह अन्न का भक्षण कर लेता? तो पिपीली का, चींटियों का समूह भक्षण कर लेता है। पूर्ण वाक में आंसर देंगे, तृणानाम समूह किम करोति, जो तृणों का समूह क्या करता है? तो तृणों का समूह से एक मद में मत हाथी को भी, गज को भी बांध दिया जा सकता है। एकतया कस्य कस्य निर्माण भवति, एकता से क्या क्या निर्माण हो सकता है? एकता से हम राष्ट्र को सुरक्षित कर सकते हैं और इस संघ में आकर के कोई भी कार्य, बड़ा कार्य कर सकते हैं। गा पर चलेंगे अपन, यथा निर्देशम उत्तरता संरक्षितम अत्र कहा प्रत्यय, संरक्षितम तुमन प्रत्यय गजान इत्यस्य किम विशेषणम, गजान इसमें क्या विशेषता है? मदोमत की, मधुमेह महंकार है। अनसीन पैसेज टू पर चलेंगे, संस्कृत भाषा राष्ट्र की साधने वाली है, दिव्य है, गीर्वाणी भाषा है, सभी भाषाओं में रम्य है, मधुर है। संस्कृत शुक्ति हमारे जीवन में दिशा निर्धारण करती हैं, जीवन के सभी संस्कार संस्कृत से प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के गौरव के प्रति हृदय में कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। सभी संस्कृति बोधक ग्रंथ मूल रूप से संस्कृत भाषा लिखते हैं, अतएव हम संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है वह संस्कृत पर आश्रित है। का एक पद में आंसर देंगे, राष्ट्रस्य एक्यम का साधन, राष्ट्र को एकता का साधन का क्या प्रतीक है? संस्कृत भाषा। संस्कृति ही कुत्र आश्रिता वर्तित, संस्कृति किसके आश्रित है? संस्कृत, संस्कृत भाषा के आश्रित है। पूर्ण वाक में आंसर देंगे, सर्व भाषा सुरम्य मधुरा, सभी भाषाओं मधुर रम्य कौन है? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा क्या ग्रंथ लिखे जा सकते हैं संस्कृत भाषा में? मूल रूप से सभी संस्कृत बोधक ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। यथा निर्देश, हम निर्देश देखेंगे, उत्तर देंगे, सर्वेषु इति पद का विशेषण, सभी में संस्कार, सूक्तया इति पदे का विभक्ति, सूक्त इस पद में क्या कौन सी व्यक्ति है? अब अपन चलेंगे, जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं, आंसर छूट रहे हैं, वे नेक्स्ट आपके ऑफलाइन क्लास में दिए जाएंगे। देन थर्ड पर चलते अपन, एकदा वने विचार, एक दिन वन में विचरण करते एक सिंह को नींद आ गई, निद्रा आई। इस अवसर पर एक चूहा, एक मूसक उसके मुंह के पास आकर के कूदने लगा और सिंह की, जो शेर की जो नींद थी उसको भंग करने लगा। यह देख करके शेर मारने को उद्यत हुआ, इसके डर से वो जो चूहा था प्राण की रक्षा करते हुए प्रार्थना करने लगा। सिंह समय से मूसक मुक्त, और सिंह ने समय से उस चूहे को मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। यदा तुम आकारिष्यामी तुम तदा अगर तुम्हें सहायम करिष्यसि, वह चूहा कहने लगा, यदि मैं तुम्हारे आकार का होता तो मैं सदैव सबकी सहायता करता। इस प्रकार उस बात सुनकर के सिंह ने उसको मुक्त कर दिया। क्वेश्चन आंसर पर, सिंह कुत्र विचरण निद्रा गता, सिंह कहाँ विचरण करते करते और निद्रा पे, वन में विचरण करते करते। मूषका के अर्थ में प्रार्थित, मूषक प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। पूर्ण वाक्य उत्तर लिखा था, पूर्ण वाक्य, मूषका कथम सिंह से निद्रा भंगम, तो मूसक ने सिंह की निद्रा कैसे भंग की? तो वह मुखम कूर्दित्व, मुख के सामने कूद रहा था और निद्रा भंग कर रहा था। यदा निर्देश के सामने उत्तर देंगे, भूत्वा इति पदे धातु प्रत्यय च निर्देशत, भूत्वा इस पद में धातु प्रत्यय कौन सा है? भूधन्त्वा त्व प्रत्यय भूत्वा, यदा इत्यस्य किम विलोम पद, यदा कदा, यदा माने
यहाँ तदा माने तदा कदा। थैंक यू स्टूडेंट्स।